आज का इस सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, इसके लिए समस्त सत्संग प्रेमी आप सभी बधाई के पात्र हैं। और आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत भाष्य विकास पासोरिया जी, जिन्होंने हरियाणवी संस्कृति को बचाने का काम किया, सभी कलाकारों का, साजिंदों का, फटका जो माँ नवरात्रों का त्यौहार है उसमें पहले नवरात्रे के दिन ये आयोजन हो रहा है, उनका सम्मान करते हुए आप सभी से मैं तालियों की गुंजाइश जरूर चाहूँगा। जोरदार तालियां बजा के इन कलाकारों का स्वागत करें। यही वो कलाकार हैं जो आज भी हरियाणवी संस्कृति को बचाए हुए हैं। और ये कृष्ण भगवान जी पीताम्बर उड़ाते हुए, कृष्ण भगवान का पीताम्बर जो आप सभी जानते हैं, आप मेरे से उम्र में बड़े, आप सभी को पता है, जिसका नाम ही श्याम नगर हो, खाटू श्याम के नाम पे बसा ये गांव, जिसकी पहली संरचना खाटू श्याम ने और दूसरा उस गांव के लिए आपका पूरा गांव बधाई का पात्र है, उनका अनुसरण करता है। एक निवेदन मैं उन भाइयों से जरूर करूंगा जो गेट के दाएं बाएं खड़े बैठ जाए, जिन्होंने प्रसाद ना लिया वो प्रसाद ले ले, बिल्कुल आपके मुंह के साइज के लड्डू बनवा रखे हैं, तो आप सभी से प्रार्थना है आप प्रसाद ग्रहण करके शांति के साथ इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपनी इस यज्ञ में आहुति देने का कार्य करें। मैं सबसे पहले तो आज एडवोकेट जगदेव यादव जी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके इस जन्मदिन पर एक ऐसी अच्छी रीत चली है जो इतिहास में दर्ज होगी। पाठशाला के लिए उन्होंने ये जमीन जो है, जैसा हमारे मासे विकास पासोरिया जी ने बताया था कि बच्चों में हरियाणवी कल्चर के प्रति लगाव रहे, वो अपनी तरफ से दान करी। जोरदार तालियां बजाकर एक बार एडवोकेट जगदेव जी का तहे दिल से धन्यवाद आभार स्वागत करते हैं। जिसके शरीर पे पीताम्बर धारण हो जाए, वैसे तो ये कलाकार वो हैं जिनकी सबकी आत्माएं शुद्ध हैं, लेकिन पीताम्बर का भी ये पकड़ना महत्व होता है, जिसके शरीर के ऊपर आ जाता है, बताते हैं उसकी 7 पीढ़ियों में कोई रोग नहीं रहता, निरोगी काया रहती है। पूरी मंडली एक बार महाशय जी के साथ एक ग्रुप फोटो करवाने का कार्य करें। आ जाओ भाई छोटू, स्टूडेंट हूं मैं, पहला विद्यार्थी हूं इस काम में। हमला रुपये कमाण में पाठशाला खोल रहे है, कोई बड़ा स्कूल बनाने में खोल रहे है, कोई एक स्टूडेंट कोशिश करता है कि मैं इसी जगह बनाऊं जहां जहां सनातन की चर्चा हो, जहां धर्म की चर्चा हो, जहां संस्कृति की चर्चा हो, जहां सत्संग की चर्चा हो, ऋषि मुनि आए, विद्वान लोग आए और मेरे समाज को सच्ची राह दिखाएं, इस क्रम को लेकर एक मेहनत चली हुई है। और माननीय विधायक जी हमारे बीच में है, जो कहते भाई 11,000 रुपये इनाम भी है, पर बशर्ते कि सामाजिक हो। विधायक जी मैं थोड़ी सी बता देता हूँ, लगभग पिछले 20 वर्षों से हमारा प्रयास है, एक बीच में थोड़ा सा सभी जानते हो, बीच में थोड़ी हलचल आ गई थी, भूंडा ये गाना हो गया था सारी रात, तो जी तो बड़ा दुख पाया करता, पर हम नए नए थे, हमारे पाए नहीं टेक रहे थे, हमने अपने टेकने मुश्किल हो रहे थे, क्यूकरे टकवा दे मैं टकवा दे। उस अश्लीलता के खिलाफ, उस नंगे नाच के खिलाफ पूरी हुंकार भर के एक युवा युद्ध ब्रिगेड जोड़ के गांव गांव प्रचार करके, और मंत्री जी हजारों की संख्या में युवा साथी हमने इस संस्कृति से जोड़े, न्यू कहते जो महाराज ने समझ में आते नहीं समझ में आई है। अरे धरती में सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है हमारी, ऋषि मुनियों का प्रचार है हमारी संस्कृति में, और उस उससे हमारा युवा नहीं जुड़ रहा, हमने आकलन कर बीमारी क्या है, एक बीमारी है समझ में नहीं आ रही, समझ में आ जाए तो इससे बढ़िया चीज नहीं। हजारों की संख्या में साथी वापिस हमने अपनी संस्कृति से जोड़े हैं, उसी के तहत एक पाठशाला भी वाणी में चली हुई है, और उस पाठशाला में हर पूर्णिमासी को सत्संग होता है, और हर रोज दैनिक प्रतिदिन वहां भंडारा होता है, लगभग पौने 300 भंडारे वहां हो चुके हैं, रोज होता है, आप लोगों के सहयोग से होता है। और उसी की एक ब्रांच आज आपके हलके में
श्याम नगर में आज उसी की एक ब्रांच खुली है। और ये देखो, ये आशीर्वाद देने के लिए हरियाणा के कोने कोने से मात्र शक्ति बुजुर्ग नौजवान साथी सभी आए हैं। सभी को मेरा नतमस्तक होगा, जोड़ के प्रणाम है। जो इतना प्रेम आपने दिखा दिया बस भर भर के आगे, गाड़ी भर भर के आगे, सभी को मेरा प्रणाम है। और जैसा आज जगदेव वकील जी का जन्मदिन है, ये भी नहीं बोले भाई, हम तो सारा ही कुंबा सुनिया करते, फिर हमने जी लाग गया इस सत्संग में। ये भी वाणी गए मंत्री जी पाठशाला में, और इनकी धर्मपत्नी और सरपंच साहब भी गए। निवला जी, सारा परिवार सत्संग से प्रभावित है और जीवन में भी धार लिया है। और जिस दिन से जीवन में धारा है, बड़ा आनंद है। एक बेटा है, वो जेई लग गया है। फिर नहीं सोचा या संगत क्यों करो, बोला सारा कुणबा बतला के, बोला एक कनाल धरती से या उस संस्था के नाम कर दे, इसी पाठशाला खुलवा दे। एक कनाल धरती वकील साहब ने दे दी और उस पर पाठशाला सभी के सहयोग से चालू है। और जब तक जितना भी कतरा है, जितना भी दम है इस शरीर में, मेरी इच्छा है मैं समाज की, संस्कृति की बिल्कुल ईमानदारी से सेवा कर दूं। क्योंकि कृष्ण भगवान गीता में भी कहते हैं, अगर हम आत्म दे धार के, गृहस्थ को धार के भजन ना करया जा, और ईश्वर का भजन कोई विधि का पता ना हो, तो ये सारा मेला परमात्मा का है। ये सारा मेले में जिसको जो ड्यूटी मिली है, वो अपने काम को ईमानदारी से अगर निभा दे, तो ये भी परमात्मा का एक भजन है। और क्यों मैं नहीं हो तो मैं मेरे काम को ईमानदारी से निभाने की मेरी कोशिश है। और भजन तो सुने सुनाए हैं, अमन नवीन का दे हाँ छोरा तेरे के पैदा हेद नौकरी लाग रही है भाई से मेरे तो बड्डा बोले तो भट्ठे लावे है ये तो तू के कर है तू भी कार में हंड है रोज नए कुर्ते पर है मेरा कम नहीं हम लोग तेरा के व्यापार से मगा मेरा व्यापार है नहीं के व्यापार है मैं सुन अरे हरि के नाम के हम व्यापारी ऐसी संत मूर्ति आई है मंत्री जी ऐसी ऐसी संत मूर्ति आई मात्र अर न्यू को हम तो न्यू को हम पढ़ाए स्कूल खोल दे बोले पाछा हम खड़े सा हां मगा तम न्यू बोले मारा भी ओए काम से यो व्यापारी निकाल से इनका केस है बोल सतगुरुदेव भगवान राम नाम के हम व्यापारी हरि के नाम के हम व्यापारी अरे प्रेम नगर मारो गांव हरि के नाम के हम व्यापार श्री राम नाम के हम व्यापार प्रेम नगर मरुगा व्यापार से धरती पे एक बार तो टेक कही है एक बार उसका नाम लिया है पर जगदेव एडवोकेट साहब उनके पिताजी ओम प्रकाश जी 1100 रुपये आशीर्वाद दिया प्रणाम रामवीर भाई आशीर्वाद दिया नाम बोलूं आगे टाल करती हूँ सांझ नहीं हो जाएगी गिरा होए 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 हो आठ ही तेज चल ही तेज तेज बकरी सरती भी कोई नहीं अरे मैं नहीं कुछ भाई भजन कई दिन हो गए गाते जय हो गन्नू साहब जय हो प्रधान जी एक बार मैं बेचड़ा लिया था मंत्री जी को बता दूं एक मैंने और काम छेड़ा था हम अपने घर तक लकड़े ही सा था जो अगला रोमता नहीं उस तो तेज रो पड़ते हमने नहीं बेरा ना था झूठा रो है पाछा मंत्री जी बेरा ला गया रहे झूठे रोव है ये देखाव है कि मैं भीतर के मैं है पर बोले परलय करके फिर सृष्टि रच दी बोल सतगुरुदेव भगवान जैसे परमात्मा एक बार परलय करके नई सृष्टि रचता है आज श्याम नगर में फिर परलय करके फिर सृष्टि रच दी बोल सतगुरुदेव भगवान अगर सरकार हम
हमारी मदद करे। हमारे गुरुजी बैठे हैं, कलाकार बैठे हैं, ये बैठे आजाद सिंह खांडा खेड़ी जी। हमने शुरुआत करी एक तूफान आंधी की, सगी आंधी हुआ अगर आजाद सिंह खांडा खेड़ी का तूफान था। हमने सातवीं क्लास में गुरुजी को गाते देखा था, उस दिन रणबीर सिंह बड़वासनिया एक ब्रांड था, एक तूफान था। आज वे सारी हस्तियां हमारे बीच में है। मंत्री जी अगर सरकार हमारे को मजबूत करे तो इस गंदगी ने हम हरियाणा तो नहीं हिंदुस्तान तो बाहर करता, पर करा के क्या करा, जितने मारे आत्मा है उतनी तो लड़ाई लड़ा। हर गवर्नमेंट चाहो तो गंदगी नहीं बंद हो जाइ करा, 1500 का बंद हो गया, 1000 कर दो। हाँ रात ने एक बकई 1500 का बंद तो बंद, माचिस भी ना दी किसी ने, 1000 का लिए हंडे गए। गौ की सेवा हो जाए अगर जिस दिन सूद बांध के काम किया सरकार चाहो काम ना हो ऐसा नहीं है। मैंने को नबला क्यों करे मंद, धनखड़ साहब कृषि मंत्री थे जब भी कहूं माजी करण काजी कर दो जा। हाँ बोले गौ संवर्धन कानून बना दिया, माजी कानून ना ईसा बनाओ किसा। मैं घना देना पर मैं छोटा हवजनी हूं। अच्छा जब वो आरक्षण का रोला माच रहा था, मैं जो घेड़ा माच रहा था, यो सब क्यों बैठे बैठे मरण लाग रहा। मैं आरक्षण उसने दे दो जो गौ राखता हो, अल्ले रोला ही मिट जा, गौ भी घर चली जा, रोला भी खत्म हो जा। किस जात का हो जो गौ राखता उसका सर्टिफिकेट बना दो, क्योंकि मानव लालची है, लालच वगैरह काम नहीं करता। उसके छोरा इंटरव्यू देने जा, दो नंबर की छूट कर दो। अका मेरी से सारी गौ घर हो जाएंगी, न कसाई मारने न कसाइया दो मरना न गौ जाओ। मातृ शक्ति ने भी आशीर्वाद दिया, सभी को प्रणाम, सभी ने आशीर्वाद दिया है, सभी को प्रणाम। और मैंने कोई टेक ना बदले भाई मेरे और समझ में आई है दोबारा बना। हरि के नाम के हम व्यापारी, हरि के नाम के हम व्यापारी, अरे श्याम नगर मारो काम को ले लो रे, ले लो रे हरि का नाम को ले लो रे, हरि के नाम के हम व्यापारी, राम नाम के हम व्यापारी, श्याम नगर मारो काम को ले लो रे। बलवान सरपंच साहब, मेरा कोई काडर नहीं है, मैं इस आदमी से बात करूं, मेरे बात करने का भी काडर नहीं है, दो तीन हस्तियां हैं, इतना बड़ा इनका साम्राज्य है। जाके कभी मौका मिले तो एर गांव में देखना, कभी हरिद्वार जाना शिवालय के नाम से, ठहरने की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। मनाली जाना शिवालय के नाम से, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। 10 लाख के सेब मंगा के गौआ खवा दिए, बताऊं था 300 गऊ घर ले रहा था, बताओ और 300 बता डांडा बाज जिया थे, 300 गऊ घर ले रहा थे। ये हमारे बीच में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, इस भजन पे खुश होकर 11,000 रुपये का इनाम देते हैं। मेरा बार बार प्रणाम है। 500 रुपये माँ तो मरगी पर माँ माँ आ रही है, मामा आ रहा है, सॉरी मामा आ रही है नहीं आ रहा है, माँ तो उम्र की मामा आ रहा है, मामा जी की तरफ से 500 रुपए का आशीर्वाद, बार बार प्रणाम। क्या लिखा है, हाँ दोबारा शुरू हो गया काम। मेरे ससुर जी आए हैं, न्यू बता दू। उत्तम नगर से, और सादा सा व्यक्तित्व है। 1100 रुपये तो बटे उपणिए गए, अरे 500 रुपये गाणिया के नाम के, पार्टी के नाम के, और 21,000 रुपये का सहयोग पाठशाला। मेरा बार बार प्रणाम, धन्यवाद। ले भाई ये तुम बटे उपणिए गए तो मैं लूंगा कदर उड़ा करो। बार बार धन्यवाद, धन्यवाद। चले आए सोता सच्चे
मड़ी लगी न दाम कोई ले लो रे ले लो रे हरि का नाम कोई ले लो रे हरि के नाम के हम व्यापारी श्री राम नाम के हम व्यापारी श्याम नगर भर मेरा गांव, मेरा तीरथ समिति मेहंदीपुर हमारे हृदय के नजदीक रहने वाले मित्र मिलना कदे कदे हो जाए पर भावनात्मक रूप से पूरी टीम हाजिर है। कड़े ताई से जड़ परामठे प्रसिद्ध है मूर्थल होता है प्लास्टिक का कोई बर्तन यूज नहीं होता है। आज संकल्प लेके जाएं प्लास्टिक में खाना भी पाप है और प्लास्टिक में खिलाना भी पाप है। आज ये अगर सच्चे सनातनी हो तो ये संकल्प करके जाएं कि प्लास्टिक में ना किसी ने खवावांगे ना खावांगे। एक बार हाथ आगे वचन कर दो क्योंकि जीरो प्लास्टिक आज का भंडारा भी जीरो प्लास्टिक है क्योंकि ये प्लास्टिक गलता नहीं ये धरती को बांझ कर देता है। इसमें अन्न होना खत्म हो जाएगा मानवता क्यों कर जीवोगी। एक बार अगर समर्थन है तो हाथ उठा के करो दोनों हाथ उठा के ये सच्चा संकल्प हो गया प्लास्टिक बैन प्लास्टिक का हम यूज नहीं करेंगे। बोल सतगुरुदेव भगवान की। अरे भाई मैं बच्चा लेन गया और मैं बेचल गया तम इतना फिर निकित चले गए उसके लिए शोरी। अब एक बम्बाड़ा गाल जो सारे इनका कित गए गलगी बच्चा बच्चा था नहीं बच्चा अब बच्चा बच्चा ना भाई बच्चा मन हरे का त्रिपुला बच्चा का नहीं बच्चा बच्चा है मास्टर जी मेरा जोड़ के सत्कार सम्मान वेलकम बाजे है तो फिर आओ भोजन करो आप स्थान ग्रहण करो। एक बार तालियां बजा दे मेहंदीपुर कहां से चलकर श्याम नगर की धरा आप आए हो सारा मेरा गांव मेरा तीर्थ समिति को धन्यवाद बार 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 प्रणाम धन्यवाद। खेतड़ खेतड़ कड़े है पाकिस्तान नजीक हो जाए सही वो दूर हो जाए इतनी दूर तो टीम आ रही है बार बार धन्यवाद। हो सौंप गांव से फौजी साहब धन्यवाद। अरमा कद न्यू नहीं चली जाए यार पीछे मैं सब ने न्यू कह कहूँ था ओ भाई तुम आज यो पीछे प्यासे तो मांगने से मान जाए मांगे मान्या करते लक्ष्मी चंद मांगे राम मांगा हुआ मांगने पर लग गया बंद बोलिया पर कृष्ण दोरो मांग लिया वो कट जाएंगे दलत दरफंद। अगर मांगांगे तो सरकार तो मांगांगे इन तो मांगांगे हंगा करके मारा हक से पर नाटते नाटते भी मेरा गांव मेरा तीर्थ समिति मेहंदीपुर 51,000 रुपये मूर्थल से आ गए यहाँ श्याम नगर में सहयोग कर दिया 1100 रुपये पार्टी के नाम बार बार धन्यवाद। बोल सदगुरुदेव भगवान की हरी शाएंगे सवाजू नाम के मन रहे हो मैं भी कर लूंगा जब बोल सुनिया के सतलोक में साझा पाए दमड़ी लगी ने दाम निवला भाई दमड़ी लागती ने दाम यो सोता तो मैं भी कर लूंगा निवला शिष्य मुंह देख तेरे तो नहीं होगा क्या तो नहीं होगा ताई सुने से नहीं निवला तेरे तो नहीं होगा इसने सोते ने कौन कर सके से निवला ओ कर सके से कौन उमरावत गांव की जय हो क्या लिख दिया निवला ओ करेगा कौन करेगा कीजे निर्भन हरि काली जे हरि काली जे हरि काली जे हरि काली जे सुकरा होते भर भर पीजे सुकरा होते भर भर पीजे सतगुरु जी का ओ भाई
भगवान की। बोलिए भारत माता की। हमारे मध्य गौरवमय उपस्थिति सदैव जिनका आशीर्वाद रहा, जिनके आशीर्वाद से सदैव जिनका आशीर्वाद रहा, माननीय प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, सदैव जिनकी दृष्टि में एक पिता की दृष्टि हमें नजर आई, एक पुत्र की तरह जिन्होंने निहारा, और मेरे छोटे से निमंत्रण बाद रामविलास शर्मा जी हमारे एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप उनका सम्मान कीजिए। और गौरवमय उपस्थिति माननीय ओम प्रकाश यादव जी, कृष्ण जी के वंशज यदु वंश आपके बीच में, हरियाणा सरकार में फिलहाल मंत्री, हमारे बीच में सारी हरियाणा सरकार श्यामनगर के बीच में खड़ी है, ताली दिखा किसी को बजाओगे। आज के मुख्य अतिथि हैं माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश जी, बोलो आप, मैं इतना, और रमेश जी नौगावा से शर्मा जी, 11,000 रुपए श्यामनगर की पाठशाला में, 500 रुपए पार्टी के नाम, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। जो खड़े हैं आपसे प्रार्थना है, आप यहाँ आपका अपना कार्यक्रम अपनी जगह बना लो, पीछा आ जाओ, अरनाथ भाई टेंट न और बढ़वा लो, और के हो दोनों बड़ बढ़वा लो भाई। आनंद भाई 500 रुपए का सहयोग संस्था में, 200 रुपए पार्टी के धन्यवाद, बैठ जाओ आ जाओ। गुरु जी का आदेश है, रामविलास शर्मा जी का एक भजन है इनका पसंदीदा, मैं कार्ड देने का नहीं, जब दफ्तर में भी सुन लिया बिना एहसास नहीं, बोला ओ सुना दे 20 बरस तक लक्ष्मी चंद याद दिवाया, मैं गुरु जी ने उड़े भी सुना के आया, आते नहीं हो भाई विकास वो सुना दे गुरु जी, मेरा ये भजन बीच में है, ये सुना के मैं फिर वो आपके बीच में रखता हूँ, क्या कहा है। कुछ ना पाई ढोल मोल मत बिकता नहीं, बिकता नहीं, बिकता रे भाई तेरा जो कुछ ना भाई, ढोल मोल मत बिकता नहीं, बिकता नहीं, बिकता नहीं, सतका सोता सबकी ताई, सतका सोता सबकी ताई, अरे ना तोलन का काम कोई ले लो रे, ले लो रे हरि का नाम कोई ले लो रे, हरि के नाम के हम व्यापारी, नाम के हम व्यापारी। पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रहे विक्रम सिंह यादव जी, आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हैं। बोल सतगुरुदेव भगवान की, एक बार जोरदार तालियां बजा के श्याम नगर की तरह हम इनका सत्कार सम्मान करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद। वहां जाओगे उस पार जाओ, चतुर सुजाना, चतुर सुजाना, चतुर सुजाना, सत्य नाम का भरे खजाना, चतुर सुजाना, चतुर सुजाना, चतुर सुजाना, हरिदास की रट में ये गाना, हरिदास की रट में ये गाना, सुनियो आठों यार